हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जीजी प्लांट की प्रोपगेशन शेयर करूंगी और वो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसके साथ आप 100% सक्सेस रेट के साथ अपने जीजी प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। आज हम जीजी प्लांट को लीफ कटिंग से प्रोपगेट करेंगे। हम जीजी प्लांट को स्टेम कटिंग से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रोपगेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर वन में हम किसी हेल्दी प्लांट की सिलेक्शन करेंगे और उस प्लांट से हमने हेल्दी लीव्स को लेना है। प्रोपगेशन के लिए जो हमने लीव्स की सिलेक्शन करनी है वो कहीं से भी ख़राब नहीं होने चाहिए और ना ही पीले होने चाहिए। लीव्स हेल्दी होंगे तो प्रोपगेशन की प्रोसेस का सक्सेस रेट भी ज़्यादा होगा। स्टेप नंबर टू में हम प्लांट से पत्तों को काट लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लेड का यूज़ किया है, आप इस प्रोसेस के लिए सीजर भी ले सकते हैं। पत्तों को काटते समय हमने पूरे ध्यान से लीफ की कटिंग करनी है ताकि स्टेम हमारे इससे ख़राब ना हो। लीफ प्रोपेगेशन करते समय आप एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते लें क्योंकि एक सिंगल लीफ से एक ही शूट निकल कर आएगी, तो जितने ज़्यादा पत्तों को हम लेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्लांट बुशी बनेगा। पत्तों के जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे पेटियोल कहते हैं और यहीं से ही रूट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट टिप हमने याद रखना है, जब भी हम पत्तों को काटेंगे पेटियोल को भी साथ में लेना है ताकि रूट्स की डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। और जीजी प्लांट्स को प्रोपगेट करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो समर्स होता है। विंटर सीजन में इन्हें प्रोपगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि विंटर सीजन में जीजी प्लांट डोरमेंसी में होते हैं। इसलिए जब भी आप इनकी प्रोपगेशन करें समर सीजन में करें ताकि आपको 100% सक्सेस रेट मिले। स्टेप नंबर थ्री में हम करेंगे पॉट की सिलेक्शन। यहाँ पर जो भी हमने पॉट लेना है अच्छे ड्रेनेज होल्स के साथ लेना है और इसे हमने कवर कर लिया है एक कॉटन के कपड़े से। स्टेप नंबर फोर में हम अपने पॉट को फिल कर लेंगे पॉटिंग मिक्सचर से। पॉटिंग मिक्सचर के लिए मैंने कोकोपीट का यूज़ किया है, इसमें मैंने किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं ऐड किया है। आप प्रोपगेशन प्रोसेस के लिए सैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट में मॉइस्चर ज़्यादा देर तक होल्ड रहता है इसलिए मैंने कोकोपीट का यूज़ किया है। अब एक एक करके सभी पत्तों को कोकोपीट में दबाते जाएं और चारों तरफ से हमने कोकोपीट को अच्छे से प्रेस करना है। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, अगर हम प्रोपगेशन प्रोसेस के लिए सैंड का यूज़ करते हैं तो डेली हमें उसमें पानी देना है क्योंकि सैंड में से पानी जल्दी सूख जाता है और हमें पत्तों को ड्राई नहीं रखना है और पत्तों में हमें मॉइस्चर को मेंटेन रखना है, इसलिए सैंड में हम डेली पानी देंगे। और अगर हमने प्रोपगेशन प्रोसेस के लिए कोकोपीट का यूज़ किया है तो हम उसमें 7 से 10 दिन में भी पानी दे सकते हैं क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक होल्ड करती है। और अब स्टेप नंबर फाइव में हमने जो लीव्स को प्रोपगेट किया है हम उसमें वाटरिंग करेंगे। लीव्स को प्रोपगेट करने के बाद हम अपने पॉट को शेडी एरिया में रखेंगे और उस जगह पर रखेंगे जहाँ पर इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिले। फ्रेंड्स, लीव्स को प्रोपगेट किए हुए 40 डेज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सभी पत्ते हमारे हेल्दी हैं और एक लीव से शूट भी निकलने लग गई है। जब भी हम प्रोपगेशन की प्रोसेस करते हैं तो हमें ये टेंशन होती है क्या नीचे रूट्स की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। इसलिए जब तक पत्ते हरे हैं उनका कलर ग्रीन है तो समझ लीजिए नीचे रूट्स की डेवलपमेंट हो रही है। चलिए अब देखते हैं किस तरह की रूट्स की डेवलपमेंट हुई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सभी लीव्स में राइजोम्स डेवलप हो चुके हैं और इनमें अच्छी रूट्स भी डेवलप हो चुकी हैं। अब टाइम आ चुका है इन सभी प्लांट्स को नए पॉटिंग मिक्सचर में लगाने का। उससे पहले हम इन लीव्स का क्लोजअप शॉट देख लेते हैं। इस वाले लीव से भी शूट निकलने लग गई हैं और इस वाले लीव में भी रूट्स की डेवलपमेंट हो गई है पर अभी तक कोई भी शूट नहीं निकली है। और तीसरे वाले लीफ में तो अच्छे से एक शूट निकल आई है जो हमने पहले ही देख ली थी और इसमें अच्छे से रूट्स भी डेवलप हो गई हैं। चलिए अब इन्हें लगाते हैं नए पॉटिंग मिक्सचर में। जीजी प्लांट्स के लिए जो पॉटिंग मिक्सचर बनाना है अच्छे से वेल ड्रेन बनाना है क्योंकि अब हमारे प्लांट्स में राइजोम डेवलप हो गए हैं। अगर पॉटिंग मिक्सचर वेल ड्रेन नहीं होगा तो राइजोम बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पॉटिंग मिक्सचर के लिए हम 50% कोकोपीट, 30% कंपोस्ट और 20% परलाइट लेंगे। आप परलाइट की जगह सैंड भी ले सकते हैं। सैंड और परलाइट दोनों का यही काम होता है कि ये पॉटिंग मिक्सचर को पोरस बनाते हैं और पानी इनकी वजह से पॉटिंग मिक्सचर में ज़्यादा देर नहीं रुकता है।
और जीजी प्लांट के पॉटिंग मिक्सचर में ज़्यादा देर तक पानी रुका रहता है तो ये बहुत ही जल्दी रूट रॉट हो जाते हैं। इस पॉटिंग मिक्सचर के लिए मैंने गार्डन सॉइल का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो कोकोपीट की जगह गार्डन सॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोकोपीट हल्की होती है इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। और कोकोपीट में रूट्स की जो ग्रोथ है गार्डन सॉइल के कंपैरिजन थोड़ी तेज़ी से होती है। और जीजी प्लांट स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, इसलिए जितना हल्का आप पॉटिंग मिक्सचर इनका बनाते हैं उतनी तेज़ी से ये ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट टिप है जीजी प्लांट को ग्रो करने का कि इसमें पानी का बहुत ध्यान देना होता है। अगर इसमें हम बार बार पानी देंगे तो इनके राइजोम बहुत जल्दी सड़ने लग जाते हैं। चाहे इनका मिक्सचर हफ्ते में सूखे, चाहे 15 दिन में सूखे और चाहे 20 दिन में सूखे, तभी आपने इनमें वाटरिंग करनी है। और फंजीसाइड का यूज़ आप अपने महीने में एक बार जीजी प्लांट्स पे करते रहें, क्योंकि जीजी प्लांट्स में फंगस की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसकी वजह से भी हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इसमें पानी का ध्यान रखें और फंजीसाइड का यूज़ अपने जीजी प्लांट्स में करते रहें, तभी आपके जीजी प्लांट्स ज़्यादा देर तक हेल्दी रहेंगे और ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। हमारे सभी प्लांट्स पॉट में लग गए हैं, अब टाइम आ गया है इन्हें वाटरिंग करने का। जीजी प्लांट्स को इस स्टेज से बुशी प्लांट बनने में 10 से 12 महीने का टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस रखें, हमारे प्लांट्स ज़रूर ग्रो होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।